तो जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बड़े के पाए, यानी के बड़े पाए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है वो शामी कबाब का जो मसाला है उसे रेडी करके रखा हुआ है। मतलब ये है कि गोश्त में तमाम चीज़ें जो कबाब की होती हैं, शामी कबाब की, वो सब तमाम ड्राई मसाला जात और लहसुन अदरक का पेस्ट और एक प्याज, वो सब डाल के, और मैंने इसको जो है वो अच्छे से गला लिया है। दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी मेरा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अभी इसको हम पीसेंगे। और उसके बाद हम फाइन चॉप किया हुआ इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च होती है, उसे अच्छे से बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है ताकि वो मुँह में ना आए और दिखने में भी अच्छा रहे, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। और साथ में हम अंडा ऐड करके इसकी टिक्कियाँ बना के और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इम्तियाज में आए हम लोग अभी, और इम्तियाज से हम वापस आ गए थे, और घर जाने के बजाय फिर खाना नहीं बनाया था मैंने, और आज बाहर ही जुल्फी ने कहा था खाना खाते, तो ये मैंने मंगवाई है मटन कढ़ाई जो नॉर्मल होती है लेकिन मसाला हल्का रखवा के, और अब्दुल्ला का एज यूजुअल मलाई टिक्का बोटी, और मोहम्मद ने मलाई टिक्का मंगवाया है, साथ में रायता और सॉरी साथ में रायता और सलाद और साथ में नान है। ये वाला जी मैंने पसंद किया है, पर्पल कलर वैसे भी मुझे पसंद है, ये वैसे ब्लैक फॉरेस्ट के 1250 का। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज़ रखे और कामयाब रखे। आप मेरी दुआ में आप समझिए और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। पीछे नज़र आ रहा है ये हाईवे जा रहा है, और ये रहे और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी, और हम लोग अब खाना फिलहाल खाने के लिए आए हुए हैं बच्चों के साथ। जो है वो कौन है तो वो आप दिखाती हूँ। माह में मेरी माह आइए सलाम कीजिए दोनों। तो बच्चे जो है वो एंजॉय करेंगे अपना खाना। मैंने उनसे पूछा है अल हबीब चलना है, नहीं। फिर सज्जाद आया रास्ते में, मैंने कहा वहाँ चलना है, नहीं। तो अब KFC तो मुझे भी खुद बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आए हैं हम KFC में। अब मैंने उनसे पूछा कि लेके गाड़ी में बैठ के खाना है रास्ते में या फिर अंदर, तो कहते हैं अंदर चलते हैं। चले आए अंदर चल के, डिनर का टाइम है तो डिनर करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और घूमते घुमाते माहम को घर ड्रॉप करना। ये कल से मेरे पास आई हुई है रहने के लिए, तो चले चलते हैं। तो हम यहाँ आकर बैठ चुके हैं और एक मील लेंगे, फैमिली फेस्टिवल जो हमेशा हम लेते हैं, और एक सिंगरेला मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए। ये सिंगरेला है और ये फैमिली फेस्टिवल है। खोल के दिखाएं अब्दुल्ला, आप भी खोल के दिखाइएगा। ये सिंगरेला के अंदर जो है ना, नहीं ये फैमिली फेस्टिवल है और ये हमेशा हम यही मंगवाते हैं, हमारी फैमिली के लिए इनफ होती है, और वो सिंगरेला अब्दुल्ला। ये सिंगरेला अब्दुल्ला का सिंगरेला आ गया। चीज ही चीज है, है? चीज सॉस, ये चखू कैसा सॉस। ओह चीज सॉस है, बहुत मजेगा, यमी। ये येलो वाला सॉस जो है चीज सॉस है, और ये रहा हमारा कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गए। तो तीन पेप्सीज हैं, एक जो है वो, बेटा एक मैंने ड्यू बोला था, ये डाइट है क्या। तो मेरे लिए डाइट 7 अप आई है, और तीन पेप्सी हैं तीनों के लिए, और मोहम्मद ने ड्यू मंगवाई अपने लिए, और खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है अल्लाह के नाम के साथ। सही लग रहा है, चलो एंजॉय करो।
बहुत बड़ा है एक्चुअली, और मुंह के अंदर पूरा नहीं आ रहा और साइडों से स्लिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। हाँ तो है मज़े का, लेकिन कह रहे हैं कि खाने में मुश्किल हो रही है। मामा जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़े का, वेरी गुड। और माहम कैसा है? जिंगर खा रही है ना आप अभी? हाँ मज़े का है, वेरी गुड। और ये शाजिया का हाथ है, वो कह रही है खा लो तो बाद में खा लो, मैंने कहा जो खाना मैंने खा लो। और मेरा भी ये रहा जिंगर, और एज ऑलवेज अच्छा है। ये जी KFC वही वाला रेस्टोरेंट आएगा सामने जहाँ से उस दिन निकल चुके हैं KFC से और जा रहे हैं वापस कराची की तरफ। ये KFC जो है वो अल हबीब से आगे आता है। ये ले अब्दुल्ला। कितनी सी होती है छोटी सी ब्रांडिंग वाली उसमें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ पर जुल्फ़िकार आपको दर्जी चाहिए छोटी वाली, और जुल्फ़िकार साहब वो ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों को चाहिए और जुल्फ़िकार साहब को चाहिए। अब्दुल्ला को ये पसंद आ रही, दिखाएं मोहम्मद भाई को कौन सी पसंद आ रही है। ये जी अब्दुल्ला को पसंद आ रही है, अब देखते हैं। दो तीन कलर हैं, दिखाएं कलर पसंद। ये कुछ कलर्स हैं इसी में, इसी स्टाइल में। मेरा ख्याल कॉपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कॉपर वाला अच्छा लग रहा है। ये कॉपर कलर है ना जो कॉर्नर पर लगी हुई है, ये वाला। लगता है शाजिया को कोई सब्सक्राइबर मिल गई हैं इस वक्त, और वो उनसे बातचीत कर रही हैं। अब्दुल्ला ने घड़ी पसंद की है ये वाली, लेकिन इसका गोल्डन कलर। वो उसमें सेल ज़रा मेरा ख्याल है ख़त्म हुआ था, तो वो सेल डाल रहे हैं। और शाजिया ने एक अदद वॉल क्लॉक लिया है, ये वाला, ये वॉल क्लॉक लिया गया है। और मैं क्योंकि कल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने एक दो छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, एक वैसलीन और एक हेयर क्रीम है, ये मैंने सफ़र के लिए ली है। ये रहे अब्दुल्ला। तो शॉपिंग कर ली है मैंने, घर के लिए एक वॉल क्लॉक ली है, और पिछले दिनों बच्चों ने बॉल मार के वो गिरा दी थी। चल तो वो अभी भी रही है, लेकिन उसका डायल टूट गया है, वो चेंज करनी थी मुझे, वो ले ली है। और साथ ही जो है वो अब्दुल्ला ने एक रिस्ट वॉच ली है, आई थिंक वो भी आपको दिखा दी है। जुल्फ़िकार साहब ने दोनों वॉचेज, जो वॉल क्लॉक है वो भी, और इन्होंने जो वॉच ली है वो भी। और उसके अलावा मोहम्मद ने एक बॉडी स्प्रे लिया है। अस्सलामुअलैकुम। और इन दोनों ने ईद पे ये ड्रेसेस लेकर दिए थे, इनको चेस से ही लिए थे, ये शलवार कमीज़ ईद पे ही चेस से लेकर दी थी, ये इन्होंने आज पहने हुए हैं। और ये जुल्फ़िकार साहब ने पहने हुए हैं कपड़े। अस्सलामुअलैकुम। ये इन्होंने तारिक जमील वाले, मौलाना तारिक जमील MTJ। हाँ जी, तो इन्होंने वहाँ से लिए थे, इनके भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, इनके कलर्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। देखिए थोड़ा सा फर्क है, बहुत मामूली। अब जुल्फ़िकार साहब का थोड़ा सा लाइट है। और मैंने जो पहना है ये इनके ऑफिस की तरफ से जो आया था, याद होगा आपको, वैलेंटाइन वुमेन डे पे जो आया था ना गिफ्ट, उसमें जो ये जिस दिन ये गाड़ी मिली थी उसी दिन ये गिफ्ट। हाँ, मैंने दिखाया था ना आपको, जिस दिन ये गाड़ी आई थी उसी दिन गिफ्ट भी आया था। तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना हुआ है, और आज जो है हमें यहाँ पर, वैसे तो मिलते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर जहाँ पर भी हम जाते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पर सदफ़ मिली है। सदफ़ खान बहुत खुश हुई मुझे मिलकर, और मुझे भी आपसे मिलकर सदफ़ बहुत खुश हुई, और बहुत ही मज़े की बातें की हमने खड़े होके, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो उनके लिए भी और मेरे लिए भी। कह रही थी, मैं दुआ कर रही थी कि इसी तरह जिस तरह लोगों को आप मिलती हैं, मुझे भी किसी दिन अचानक मिल जाए, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरा बहुत दिल था और दुआ भी थी। तो देखिए, चाहत और ख्वाहिश और दुआ यकीनी सच्ची हो तो मिल ही जाता है, इंसान कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। दुनिया बड़ी ज़रूर है पर इतनी भी बड़ी नहीं है, घूम फिर के बिलाकर कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मोहब्बत सच्ची पक्की हो ना,
और आपने दिल से दुआ की हो तो वो जरूर कामयाब होता है इंसान, अल्लाह पाक जरूर सुनता है। हाँ, देर सवेर हो सकती है। कपड़े साफ लेके जाने चल मैं ही दे दूंगी। जी तो बस अब कब्रिस्तान से हम जा रहे हैं। फातिहा भी कर ली है, पढ़ भी लिया है इन्होंने सूरह रहमान सूरह यासीन, और उसके अलावा मैं तस्बीहात पढ़ते हुए आती हूँ। वो सब अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक कबूल करे और मेरे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और जितने भी मदफून हैं उन सब को जो है वो अल्लाह पाक बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए, और सब के सभी कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें भी आखिरत की तौफीक आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। धमतल से ये केक ले लिया और बुके ले लिया और भाई के घर पे आ गए। बस यहाँ गाड़ी पार्क की है हमने और चलते हैं। ये दोनों फ्रूट ट्राइफल्स हैं, ये ग्रीन जेली के साथ, इसके अंदर केक और फ्रूट्स भी डले हुए हैं और कस्टर्ड है, और ये वाला बच्चों के लिए बनाया गया, इसमें फ्रूट्स नहीं डाले, और जेली और कस्टर्ड और केक्स। मैक्रोनी बनाई है, मैं मेहमान आए हैं। पापा कुछ कह लगा देंगे, पापा जानी कुछ कह लगा देंगे। आप ही मेरे बनाएंगे, मैं भेजूंगी ना।